हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विथिक्स डॉट इन। तो आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ, जो है कॉस्को होलसेल शॉपिंग व्लॉग। और यहाँ पे हमने कुछ कर्कलैंड सिग्नेचर ए2 प्रोटीन ऑर्गेनिक होल मिल्क मंगाया है, जो है 3 हाफ गैलन का ये पूरा होल मिल्क है, जो कि ऑर्गेनिक है। और इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाएंगे, कोई भी सिंथेटिक और हार्मोन इसमें नहीं डाला गया है। अल्ट्रा पास्चराइज्ड है विटामिन डी विटामिन ए के सहित, और इसमें विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है। और भी बहुत सारे चीज़ इसमें बताए गए हैं कि क्या क्या इसमें है डिटेल्स में। तो ये हमने मंगाया, उसके साथ हमने कुछ स्वीट चेरीज़ मंगाए हैं। ये फ्रोज़न स्वीट चेरीज़ है, जो कि आप लंबे समय तक रख सकते हैं डीप फ्रीज में, और इसे आप या तो रेसिपीज़ बना सकते हैं या फिर खा सकते हैं। और ये है रस बेरीज़, और ये जो रसबेरीज है ये भी हमने ज़्यादा ही मंगाया है। ऑल्दो ये होलसेल ही मार्केट है, तो इसमें आपको वैसे ही ज़्यादा क्वांटिटी में ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बस आपको उसे अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ता है। और ये है मशरूम, जो कि यहाँ पे इसे ऑर्गेनिक वाइट मशरूम है। हम लोग सारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक ही मंगाते हैं, और ये 100% होल वीट ब्रेड्स हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, और इसमें ये भी बताया गया है, डिटेल दिया गया है कि ये कितना, ये कब बनाया गया था, और इसमें और क्या क्या इस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सारे का डिटेल इसमें दिया गया है। और ये है अंगूर, जो कि रेड सीडलेस ग्रेप्स है, और ये 1.36 केजी का है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ पेरू है, यानी कि पेरू से मंगाया गया है इसे। और ये बहुत मीठा होता है, ये बस एक दो ही अगर आप खाइएगा तो आपको बहुत मीठा लगेगा। तो ये आप अपने डेली रूटीन में, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं बहुत सारे फ्रूट्स को। और ये जो है, ये सिग्नेचर ऑर्गेनिक फ्रेश प्रेस्ड एप्पल जूस है, जो कि शुगर फ्री है, इसके अंदर शुगर नहीं डाला गया है, और कंसंट्रेट से इसे नहीं बनाया गया है, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो इस टाइप का जूस जो है, उसे भी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और नाश्ते में जो हम लोग को आदत है, या तो सीरियल्स लेते हैं हम लोग, या तो ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठे, ये सब खाते हैं, तो कभी कभी फ्रूट्स भी ले लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, या फिर कभी कभी जूस, ये सब ले लेना चाहिए। और इससे जो घर में मम्मी लोग होती है, उन्हें थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि आप फ्रूट्स लेंगे तो उन्हें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लंच का ही एक झंझट रह जाएगा और डिनर का, तो ये भी आराम होता है। और फ्रूट्स लेना आपके लिए हेल्दी भी है, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं वो लोग अगर एक प्लेट असॉर्टेड फ्रूट्स लें मॉर्निंग में, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है हेल्थ के लिए भी। और ये जो है, ये कॉकटेल कुकुम्बर है, तो ये जो है बेसिकली इसको लोग या तो इसको पिकल करके यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट खाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसे। तो मैंने तो इसे नॉर्मल खाने के पर्पस से ही मंगाया है, लेकिन अगर कभी इसका पिकल कुकुम्बर बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। अगर वो आप बनाते हैं घर में, तो आप उसे रेफ्रिजरेट करके रखिए और यूज़ कर सकते हैं उससे सैंडविच बनाने में। और ये देखिए, ये है पियर, तो ये भी ऑर्गेनिक पियर है और वैल्यू पैक है, तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक आप लीजिए काट के, और दो लोग खा सकते हैं एक साथ, तो असॉर्टेड फ्रूट्स में ये भी इंक्लूड करना चाहिए। फिर एप्पल भी हमने मंगाया है, वो भी काफ़ी अच्छा वाशिंगटन एप्पल है, तो ऑर्गेनिक स्नैकिंग एप्पल है, जो कि छोटे छोटे साइज़ का ही है, लेकिन अगर फ्रूट प्लेटर मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो उसमें ये आप काट के इंक्लूड कर सकते हैं। और क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए जब आपको खाना हो तभी
काटना चाहिए एप्पल को, या फिर लेमन स्प्रिंकल कर लीजिए तो नहीं होगा। और ये है योगर्ट, तो दही तो नॉर्मल ही होता है, सबके यहाँ आता है। ये सिग्नेचर ऑर्गेनिक ग्रीक योगर्ट है, लेकिन ये जो दही होता है बिल्कुल नॉर्मल दही जैसा ही होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।